गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सेक्रेटरीट क्लर्क का जो सिलेबस है, जो नया सिलेबस है उसकी बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग 20, एवरीडे साइंस 20 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन जो वो आपका रहेगा हाफ मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन होंगे 200। तो वैसे ही जो वो एवरीडे साइंस तक जो 20 मार्क्स तक, और जनरल नॉलेज हो गया 50 क्वेश्चन, और इंडिया और वर्ल्ड का जो वो 50 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि इसमें जनरल हिस्ट्री, जनरल नॉलेज या जो भी हिस्ट्री वगैरह होती है और पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो वो जो वो ज़्यादा पूछी जाती है, 15 और 25, 35 हो गए। देखिए करंट अफेयर जो वो आपका आएगा 30 क्वेश्चन, मतलब कि 15 नंबर का टोटल हो गया 200 क्वेश्चन। अगर हम नीचे देखें टॉपिक वाइज जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, तो ये वही लिखा हुआ है। जनरल इंग्लिश जो आपकी यहाँ पे लिखा है, देखिए प्लस टू स्टैंडर्ड की होगी, और जनरल हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड की। लॉजिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश का सिलेबस देखिए, सेंटेंस प्रीफिक्स, ठीक है, तो इसको आप जो जल्दी जल्दी से जो पढ़ सकते हैं। सिनोनिम हो गया, प्रपोजिशन हो गई, नाउंस हो गए, ठीक है, एंटोनिम। तो करंट अफेयर का आप देख सकते हैं डिसीजन, सॉरी हाँ, करंट अफेयर सिलेबस यहाँ पे देखिए, इसमें जो वो बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको जो देख सकते हैं, एक एक टॉपिक जो वो उठा करके जो आप पढ़ना जो स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे जो देखिए जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग की जो कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेंगे, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज का सिलेबस हो गया, देखिए आर्ट और कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम्स, कंट्री के हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो ये जो इसका पूरा सिलेबस था।